नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है मात्राओं का ज्ञान। आज हम आपको ई की मात्रा वाले शब्द सिखाएंगे। आज हम आपको बड़ी की मात्रा सिखाएंगे। यह है बड़ी ई और यह है इसकी मात्रा। इसे हम बड़ी ई भी कहते हैं। इसका उच्चारण होता है ई ई। सबसे पहले आप बड़ी ई की मात्रा की पहचान करेंगे, ठीक है, और बड़ी की मात्रा को व्यंजन के साथ कैसे लिखा जाता है उसका अभ्यास करेंगे और उनको पढ़ना भी सीखेंगे। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि थोड़े ऊंचे स्वर में बोली जाती है, ई ई, ठीक है। जैसे यह है का, बड़ी की मात्रा मिलकर बना। क ई की मात्रा मिलकर बना की। खा ई मिलकर बना खी। ग ई मिलकर बना गी। घ ई मिलकर बना घी। ऐसे ही आप का से लेकर हा तक के सभी व्यंजन पर बड़ी की मात्रा लिखने का और उनको पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे से लगाई जाती है। अब हम बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को सीखेंगे। क प्लस ई प्लस त। ग ई मिलकर बना गी। तो गीत। ख ई र। ख ई मिलकर बना खी। र खीर। म ई ध ई। म ई मिलकर बना मी। ठ ई मिलकर बना थी मीठी। च ई ल। च ई मिलकर बना ची। ल ची। पा न ई पा। पापा रा की मात्रा मिलकर बना पा। पा है पहले से ये। पा न नापा री की मात्रा मिलकर बना नी। पानी। ऐसे ही आगे हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। रा ई की मात्रा आ की मात्रा रा। ख ख पर बड़ी की मात्रा खी राखी। ना दी नदी पर चल। मट की मटकी भरकर पानी ला। पानी मीठा शीतल था। दीपावली दीपावली का दिन था। मीना घी का दीपक जला। ऐसे ही आप आगे पढ़ना सीखेंगे।